अनुपमा में अब बापूजी पूरी कहानी को पलट के रखेंगे जो कि वनराज पर काफी भारी पड़ने वाला है। बापूजी पहले ही कह चुके हैं कि वनराज अगर कोई तमाशा किया तो वो इस चीज को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि अनुपमा अब हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर चली जाएगी। जी हाँ दोस्तों, अनुपमा अब यहाँ पर नहीं रहने वाली और साथ में ही वो अपने माँ के घर पे रहेगी और समर भी उसके साथ में घर छोड़ देगा। और बापूजी नहीं चाहते कि अनुपमा को और ज्यादा टॉर्चर झेलना पड़े और वनराज के सामने जब भी वो आएगी उसके सामने यही तमाशा होगा। तो बाबूजी अब यहाँ पर अनुपमा को विदा कर देते हैं और यहाँ देखने को मिलेगा कि जल्दी ही आप आपको अनुज और अनुपमा की शादी देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा वनराज अभी बैठने नहीं वाला है और उसकी यहाँ पर दूसरी तरफ जो राखी दवे है वो भी बैठने नहीं वाली है चुप, और इन दोनों ही मिलकर यहाँ पर काफी बदनामी करने की कोशिश करेंगे। और वनराज बार बार जब भी अनुपमा और अनुज को कई बार साथ में देखेगा, चाहे कहीं होटल में कहीं कैफे में, और उनकी न्यूज में जो फोटोज आएंगी उसको देखकर भी वो बहुत बुरी तरह से जल रहा होगा। और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि राखी दवे तो इतना कुछ उछाल देगी अनुपमा और अनुज के बारे में, उनके ऑफिस में जाकर तमाशा कर देगी, जिससे कि अनुज और अनुपमा दोनों के ही अब कैरेक्टर पर सवाल उठ जाएगा और पूरी दुनिया में यानी पूरे शहर में ही उनके दोनों के जहाँ पर भी वो दोनों जाएंगे वहाँ पर बदनामी का एक तरह से उनको पर असर होने वाला है। हर जगह उनकी बदनामी करने की कोशिश की जाएगी वनराज और राखी दवे के द्वारा, तो यहाँ पर पूरी तरह से बदनामी होगी। राखी दवे कुछ ज्यादा ही उसको उछाल देगी, बात को इन दोनों के कैरेक्टर पर सवाल उठा देगी और यहाँ पर यही बात अनुज को पसंद नहीं आने वाली और ना ही अनुपमा को, और वो जल्दी ही अनुपमा और अनुज से रिश्ते की यानी कि उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। यानी कि अब काका और बापूजी दोनों फैसला करेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से, अगर अनुज अभी भी अनुपमा से प्यार करता है तो उसका हाथ थामने में क्या बुराई है, और बापूजी और काका ही अब दोनों डिसाइड करेंगे कि इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। और अनुज यहाँ पर अनुपमा से बात तो करना चाहते हैं और बापूजी और काका दोनों इसे मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनुपमा इस बात से राजी नहीं होती है। लेकिन बापूजी फाइनली उसे मनाएंगे और अनुज कहेगा तुम्हें अगर कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई भी प्रेशराइज कर रहा है तो तुम इस शादी से ना कर सकती हो, मुझे नहीं लगता है कि अगर तुम इस बात में खुश नहीं हो तो तुम इस बात को अपनाओ। तो लेकिन अनुपमा उस बात के लिए हाँ भी कहेगी, क्योंकि यहाँ पर समर भी बापूजी और उसकी माँ और उसका भाई दोनों ही उसको समझाते नजर आएंगे और अनुपमा इन सबकी खुशी के लिए, और अब यहाँ पर कहीं ना कहीं उसे देवी का भी समझाते नजर आएंगी कि तुम्हें अब जिंदगी में जो साथी मिला है शायद वो तुम्हें तुम्हारे इसी दिन का इंतजार था और अब 26 साल का इंतजार जब खत्म हो रहा है तो तुम उसे हाँ क्यों नहीं कर रहे हो। देवी का फाइनली अनुपमा को मनाएगी, बापूजी और सब भी मनाएंगे और अनुपमा हाँ कर देगी और इनकी शादी होगी अनुज और अनुपमा की। और उनकी फर्स्ट नाइट के दिन ही अब वनराज अपने आप को खत्म करने की कोशिश करेगा। जी हाँ दोस्तों, वनराज को तगड़ा झटका लगेगा कि एक तरफ अनुपमा और अनुज की शादी हो रही है और दूसरी तरफ उसकी बर्बादी हो रही है। इस बात से परेशान होकर अनुपमा की खुशी देखकर वनराज अपने आप को ही खत्म करने की कोशिश करेगा।